अमेरिका ने जॉर्डन में अपने बेस पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी बलों और ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 85 ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले हफ्ते जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, जिसके जवाब में ये हमला किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने इस इलाके में अमेरिकी सैनिकों पर हमले से जुड़ी 7 फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इन फैसिलिटीज में कंट्रोल ऑपरेशन, खुफिया केंद्र, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन स्टोर शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, हमारी प्रतिक्रिया आज से शुरू हुई, आगे भी ये जारी रहेगी और इसकी जगह और समय हम तय करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा, यूएस मध्य पूर्व या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। सीरिया के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक हमले में लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है, लेकिन इनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई है। वहीं किर्बी ने कहा है कि अमेरिका को नहीं पता कि कितने आतंकी मारे गए या घायल हुए, लेकिन लक्ष्यों का चयन इस हिसाब से किया गया है कि आम लोग हताहत ना हों। उन्होंने कहा, इन टारगेट्स के अमेरिकी सैनिकों पर हमले को लेकर हमारे पास पुख्ता सबूत थे। लेफ्टिनेंट जनरल डगलस सिम्स ने कहा कि अमेरिका ने ये जानते हुए हमला किया है कि इन जगहों का इस्तेमाल ईरान समर्थित लड़ाकों और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने हमलों में 125 से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया, ये सभी सटीक हमला करने वाले थे। इराकी सेना के प्रवक्ता याहिया रसूल अब्दुल्ला ने उसकी सीमा में ईरान के समर्थन वाले आतंकियों के खिलाफ हवाई हमलों की निंदा की है। इस हमले को इराकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही ईरान और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की संभावना जताई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।